Hello everyone, welcome to Brain Solution. Today we'll be doing question number 3 from exercise 13C. Question is, a school borrows an amount of rupees 1 lakh from a bank. ठीक है, एक स्कूल है जिसने एक बैंक से कितने पैसे बोरो करे हैं? रुपीज 1 लाख. तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज. ठीक है, फिर द लोन इज टेकन द कंपाउंड इंटरेस्ट. अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, नॉट द सिंपल इंटरेस्ट. फाइन, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज 8%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट पेड बैक एट द एंड ऑफ 3 इयर्स. यहाँ पे टाइम कितना है? 3 इयर्स है. ठीक है, तो सिंपल व्हाट वी विल डू हियर इज हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना पुट करेंगे. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? कंपाउंडेड अमाउंट इज पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज द पावर टी. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टी ले लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, द प्रिंसिपल हियर इज 1 लाख रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. ठीक है, तो 8 अपॉन 100 द टाइम टेकन इज 3 इयर्स. ठीक है, तो फिर उसको फर्दर हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 100. यहां पर ये 1 है तो ये 100 हो जाएगा. ठीक है, कैसे? कुछ नहीं होता, दैट मीन्स इट हैज अ डिनोमिनेटर इज 1. ठीक, 1 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दिस 100? 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए ओपन न्यूमरेटर में भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी 100 प्लस 8 क्यूब. ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100. क्यूब है इसका, तो अगर मैं क्यूब हटाती हूं तो 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100. ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. सो वी आर लेफ्ट विद 108 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.217952. ठीक है, दिस मच अमाउंट इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड. ठीक है, क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे इन्होंने देयर नॉट आस्क अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, दे ओनली आस्क अबाउट द अमाउंट. तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया. अगर हमारा इंटरेस्ट पूछा होता तो हम क्या करते? इस अमाउंट में से ये प्रिंसिपल हम सब्ट्रैक्ट कर देते. ठीक है, क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस गर्ल Rashmi, she lends an amount of rupees 10,000 to her friend. Rashmi ने अपनी दोस्त को जो है कुछ पैसे दिए हैं, और वो कितने पैसे हैं? वो प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज. यहाँ पे मनी कितना गिवन है? 10,000 रुपीज. ठीक है, टू अ फ्रेंड वसुना फॉर 2 इयर्स एंड द टाइम टेकन इज 2 इयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगेन क्या करना है? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा. यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट शी रिसीव्स आफ्टर 2 इयर. तो ये भी सिंपल है. तो फिर ये अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 अपॉन 100 रेज टू पावर 2. ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम. राइट, दिस इज 1, 5 टू द 10, 0. ये कितना हो जाएगा? दिस इज 20. चलिए 20. ठीक है, अभी 20 आ गया. दिस इज 20. 20 प्लस 5 इज 25. इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10,000. 25 बाय 20 इंटू 25 बाय 20. ठीक है, 0 1 2 1 2. ठीक है, 2 5 10, 0 है. अगेन 2 5 10, 2 25 50. ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 11025 रुपीज. क्लियर? यहाँ पे अमाउंट कितना करेगा? 11,025 रुपीज. राइट, नाउ वी अच्छा देखिए, आस्क अबाउट ओनली द अमाउंट. उन्होंने यहाँ पे सिर्फ अमाउंट पूछा है. ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे सफिशिएंट. Now we move on to question number 5. इन questions में इतना ज्यादा problem नहीं आनी चाहिए, बस simple आपको ये क्या करना है? Formula में put करना है. ठीक है,
Now the question, next question is, there's a girl Anju. She lent rupees 5,000 to Guneet at the rate of 8.13% compounded annually. ठीक है, तो यहाँ पर principal कितना है 5,000 rupees and the rate of interest is 8.13%. तो ये कितना हो जाएगा 3 8 24 + 1 हो जाएगा 8.25/3%. ठीक है, एंड द टाइम टेकन इज 2 years. तो हमें क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट पेएबल आफ्टर 2 years. ठीक है, 2 साल के बाद ये कितना अमाउंट पे करेगी. ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पी 1 + R/100 raised to the power t. यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5,000. ठीक है, 1 + व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज 24/25/3. ठीक है, लेकिन ये नीचे डिनोमिनेटर में 100 भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल रेस टू द पावर 2. ठीक है, दिस इज 5,000, ये हो जाएगा 300. नाउ 300 वंस आर 300 प्लस 25, इसका स्क्वायर, दिस विल बी 5,000 300 325 स्क्वायर है, तो फिर हम कैसे कर देंगे 325/300. ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.058685. ठीक है, 5,868.05 rupees. ठीक, क्लियर. Now we move on to question number 6. अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि तभी तो एप्रिसिएशन मिलता है, लगता है ना कि हाँ भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस, है ना, फिर मतलब कैसे मोटिवेशन मिलेगा हमें, है ना, तभी तो पता चलेगा कि चलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग की तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है. और अपने फ्रेंड्स को भी तो बताइए कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इट्स नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग, कुछ नहीं देना पड़ रहा है, ना ट्यूशन के पैसे जा रहे हैं, ना कोचिंग में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है. तो अब आप लोग कहिए कि अपने फ्रेंड्स को भी बताओ. ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,400. इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझना है. ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट इज गिवन एज 8,400. The rate of interest is that is 9% and the time taken is 2 years. हमें क्या करना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट. इसका फॉर्मूला क्या है, P × R × T/100. यही फॉर्मूला है. यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 8,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9, टाइम टेकन इज 2 years डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, 1,212. उसके लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कंपाउंडेड अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो क्या कर देंगे हम, फॉर्मूला लगाते हैं पी 1 + R/100 raised to the power t. ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 8,400 1 + 9/100 raised to the power 2. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो हम लगाएंगे, ये हो जाएगा 8,400, दिस विल बी 1,100, ऊपर क्या आ जाएगा 109. 109 कैसे आएगा, 1 + 100 = 100 + 9 = 109. इसका स्क्वायर है क्योंकि टोटल का, तो मैंने 109/100 कर दिया. ठीक है, क्लियर. जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो आई गेट द आंसर एज, ये हमारा आंसर देगा 0.04099 rupees. ठीक है, 9,980.04 rupees. ठीक है, क्लियर है. ये क्या आ गया हमारा कंपाउंडेड अमाउंट. नाउ वी फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, देख रहे हैं इसमें कितने सारे अलग अलग फॉर्मूले लग रही है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. ठीक है, this will be 9,980.04 minus the principal that was 8,400. ठीक है,
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 04 देन 0851 है ना, 1580.04 राइट। ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम, वो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा, दिस मच, ये बड़ा है तो 1580.04 माइनस द सिंपल इंटरेस्ट 1512 रुपीज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 68.04 रुपीज, ठीक है, क्लियर। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 द नेक्स्ट वीडियो।